गल करते हैं ऑनलाइन हुई सिक्ख्या की। पंजाब भावें करोना के चलद सरकार ने ऑनलाइन सिक्ख्या शुरू कर दी है, पर गरीब विद्यार्थियों के की जिन्हों के कोल स्मार्टफोन ना होने करके वो इस मौके का फायदा नहीं लै पा रहे हैं। भावें कैप्टन सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों लिए स्मार्टफोन का वादा किया जो हुण तक पूरा नहीं होया, पर इस दे नाल ही सिक्ख्या ऑनलाइन किया गया जिस तों अज गरीब बच्चे वांझे रह रहे हैं। कोरोना के चलते सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली ऑनलाइन सिक्ख्या नाल गरीब दिहाड़ीदार दलित परिवारों को मुश्किल खड़ी हो गई है। बहुते बच्चों को स्मार्टफोन नहीं हन अते ओ सिक्ख्या तो वांझे रह रहे ने। असी झंझेड़ी पिंड के अजिहे कुछ बच्चों नाल गलबात की। पिता संदीप सिंह ने अपनी लाचारगी दर्शाई कि वह टच फोन नहीं खरीद सकते। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने करोना के चलते स्कूलों चो ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दिती है, पर दलित परिवारों को टच फोन जिन्हों स्मार्टफोन भी कहा जाता है वो मौजूद नहीं, उन्हों की पढ़ाई पर बड़ा असर पै रहा। अज असी आए हैं एक अजिहे परिवार को जेडे कि पिंड झंझेड़ी रेंदे ने, उन्होंने गलबात करते हैं। सब तो पहला चौथी जमात के बच्चे ना गल करते हैं सतनाम नाल। सतनाम फोन है ना जी। पढ़ाई किवें करते हो फिर? पढ़ाई जी टीवी पर देख के करते हैं जी। अच्छा, टीवी ते आ जांदा लेसन? हां जी। ते थोड़ा भरा नाल ए केड़ी जमात च है? तीजी जी। तुसी भाई साहब इन्हां दे फादर हो संदीप जी? हां जी फादर है जी। ते किदां पढ़ाई चलदी है स्मार्टफोन तो बिना? बा पढ़ाई तां जी इदां ही चलदी है जी, मतलब कि आंदा कुछ नहीं जी है ना। फोन आई साढ़े को टच जी भी पढ़ाई न्याण की बहुत खराब हो रही है, इन्हें ट्यूशन रख दे जी। बहुत औखी है मैडम, परेशान कर दें फिर पेपर जरूर करना पैंदा जी। उन्हें ये देख के करते हैं माड़ी मोटी पढ़ाई, जे करते हैं कह सुन के लाते हैं, पर इन्हों इन्ना वो नहीं होंगे टीवी पर जी, थोनों पता ही है हूँ। बाकी इन्हों लगे स्कूल जिदन का बंद होया, हूँ बेचारे तंग होए हुए हैं घर तो भी, हूँ इदा खर्चा भी नहीं जी जरा करके दे दिए कि ला दिए। तुम सरकार तो की मांग करते हो? असी जी यही मंग करते भी बच्चों की पढ़ाई होनी सोहनी होनी चाहिए है, कितने बै सू लगना चाहिए इन्होंने बच्चों बारे, बच्चे सोचने चाहिए ने कि लवाओ इन्हों स्कूल खोलने चाहिए ने। इस बस्ती च ही रेंदे एक होर दिहाड़ीदार जगतार सिंह के परिवार ने सरकार तो स्मार्टफोन की मांग की। असी एक होर दलित परिवार को पहुंचे हाँ ताकि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई बारे सार ले जा सके। एक घर हैगा जगतार सिंह का, तो आप गल करते हैं क्योंकि इन्हें को टच फोन नहीं यानी कि स्मार्टफोन नहीं, उदे बिना पढ़ाई बच्चे किस तरह कर रहे हैं? पढ़ाई तो चलती नहीं है जी मेरा फोन तो जी। फिर की करते हो तुम? बकैगा नहीं फिरी जाते जी बच्चे। सरकार तो की मांग करते हो? सरदार तो की करनी है जी, फोन फान दवा देव कोई। गरीब है जी, थोनू पता ही है जी भी जेड़ा कमाते है जी उ खाते है जी, क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई का भी औखा है जी। फिर हूँ असं तो ही कहें जी फो कुछ फोन फान भी चाहिए ने जी, फिर उसके कारण कारण होंगे जी पढ़ाई पढ़ुई जी। ए किन्ना क लिखन पढ़न सीखा? छेवीं जमात च? हाँ जी छेवीं च। किन्ना लिखन सीखा बेटा? सानू जी पंजाबी आती है, इंग्लिश भी आती है, गणित भी आता जी, वो भी आती हिंदी भी। किन्नी देर तो क्लास नहीं लग रही, जमातां नहीं लग रही? पहली तीन महीने हो गए जी, अज इदन दा एक नहीं चल रही, बीमारी जी चली है जी, क्योंकि बेकार होए हुए जी न्याणे। कैप्टन सरकार ने सत्ता विच आउण तों पहलां स्कूली बच्चों नूं स्मार्टफोन मुफ्त वंडण दा वायदा कीता सी जो कि हुण तक पूरा नहीं कीता गया। दूजे पासे सिक्ख्या विभाग ने क्लासां ऑनलाइन शुरू कर दित्तियां ने। पता लगा कि कुछ दिहाड़ीदारां ने कर्जा चुक के भी स्मार्टफोन खरीदे ने। कैमरामैन धनंजय शर्मा दे नाल रजिंदर सिंह तगड़, पीटीसी न्यूज़, झंझेड़ी, फतेहगढ़ साहिब।